साजापुर में एसपी निवास के सामने पटवारी को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी ने फरियादी से नामांतरण में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए रिश्वत की मांग की थी। उज्जैन लोकायुक्त की टीम के डीएसपी दिलीप तालान ने बताया कि एसपी निवास के सामने पटवारी आत्माराम धानुक के निजी कार्यालय पर छापामार कार्रवाई की गई, जहाँ टीम में फरियादी योगेश पाटीदार निवासी ग्राम गिरवर तहसील साजापुर से 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जहाँ फरियादी की शिकायत के बाद पटवारी की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया और टीम बनाकर कार्रवाई की गई। पटवारी धानुक को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामले को दर्ज कर लिया है। फरियादी योगेश पिता महेश पाटीदार ने 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट महुपुरा हलके में खरीदा था और इस प्लॉट के नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन लगाया था, जहाँ 8 मार्च को तहसीलदार साजापुर ने इस प्लॉट का नामांतरण फरियादी के नाम कर दिया था, लेकिन नामांतरण में भूलवश 2000 वर्ग फीट की जगह 2000 वर्ग मीटर हो गया था। वहीं इस भूल को सुधारने के लिए फरियादी ने तहसील कार्यालय में आवेदन किया था, जिसके एवज में पैसों की मांग की जा रही थी, जहां पीड़ित ने परेशान होकर लोकायुक्त पुलिस उज्जैन से संपर्क किया और टीम ने पटवारी को 3,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार किया है। जहां कलर लगे हुए नोट पटवारी को दिए गए थे, वहीं रुपए बरामद करने के बाद पटवारी के हाथ भी धुलवाए गए। ये आपके शाजापुर यहां पर योगेश पिता महेश प्रसाद पाटीदार ग्राम गिरवर थे, इन्होंने 2000 वर्ग फीट जमीन को क्रय किया था। उसका नामांतरण आदेश तहसीलदार के यहाँ से जो हुआ है उसमें 2000 वर्ग फीट की जगह 2000 वर्ग मीटर लिख गया है। इनको एक समझ बात में आया कि वो उनका गलत लिख गया है, वर्ग मीटर लिख गया है इसमें, तो इन्होंने उस पर सुधार के लिए आवेदन दिया तहसीलदार कार्यालय में, तो उसके सुधार करवाने के लिए 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। उस पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की एसपीदार के समक्ष, फिर जो विधिवत कार्रवाई होती है वॉइस रिकॉर्डर जारी किया गया, उस पर इनकी रिश्वत मांग के वार्तालाप है। इसकी पुष्टि होने पर फिर प्रकरण का पंजीयन करके पार्टी रवाना हुई और आज शिकायतकर्ता ने इसी बिल्डिंग के प्रथम तल में, जहां पर उनका कार्यालय लगता है, श्री बंटी जैन जी हैं जिनका मकान है, उनके मकान में ये प्रथम तल में वो किराए से लिए हुए हैं और उनके कक्ष में 3,000 रुपये की रिश्वत देने के बाद प्रार्थी ने इशारा किया तो हमारे दल ने उन्हें पकड़ा और पकड़कर उनसे 3,000 रुपये की राशि बरामद हुई और उनके जो पटवारी हैं आत्माराम धनुक, उनके हाथ जो है वो सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर रंग का घोल का रंग गुलाबी हो गया, बाकी कार्रवाई जारी है। सर, इसके पहले भी इस तरह के मामले में ट्रेबल चुके हैं, इसके बारे में क्या, इस पटवारी के बारे में जो जानकारी दी है?